बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूं शगुफ्ता फ़हीम और आप देख रहे हैं फूडीज़ बाय शगुफ्ता। तो आज हम बनाएंगे हैदराबादी बिरयानी। ये बहुत ही मज़े की और बहुत टेस्टी बन के रेडी होती है, बहुत आसानी से मिनटों में तैयार हो जाती है। तो चलें आए शुरू करते हैं। कढ़ाई में यहाँ पर मैंने सबसे पहले देखिए आधी प्याली ऑयल ले लिया है। ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। ऑयल यहाँ पे गरम हो चुका है, तो ये दो अदद दरमियाने साइज की प्याज हैं जिनको मैंने काट लिया था, इसको इसमें ऐड कर देंगे, फ्राई करेंगे। प्याज को हमने गोल्डन होने तक फ्राई करना है। प्याज को यहाँ पे देखें फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और प्याज भी हमारी यहाँ पे देखें फ्राई हो गई है। अब इस टाइम पे आके हम इसमें ऐड करेंगे, ये देखिए तेज़पात हैं 2 से 3 अदद, ये इसमें ऐड कर देंगे। और ये देखिए ये है बादियान के फूल, बड़ी इलायची, दालचीनी, साबुत गोल मिर्चें और लौंग, जावत्री, ये सब इसमें ऐड कर देंगे, साबुत खड़े मसाले। और इसको भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे। मसालों को भी यहाँ पे मैंने देखें 1 से 1.5 मिनट तक अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इस टाइम पे आके देखिए ये 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट है, ये इसमें ऐड कर देंगे। और इसको भी हम लहसुन अदरक को भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। लहसुन अदरक को भी यहाँ पे देखें मैंने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब ये देखिए ये है मेरे पास 1 किलो चिकन है जिसको मैंने बहुत अच्छे से वॉश कर लिया था, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। और चिकन को भी हम अच्छे से फ्राई करेंगे, प्याज और लहसुन अदरक के साथ हमने इसको खूब अच्छी तरह से फ्राई करना है ताकि इसका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पे चिकन को भी मैंने बहुत अच्छे से फ्राई कर लिया है 3 से 4 मिनट तक। चिकन भी हमारा बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब मेरे पास ये 3 अदद टमाटर हैं जिनको मैंने काट लिया था, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। टमाटर को ऐड करने के बाद अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक यहाँ पे मैंने देखें 1/2 टेबल स्पून लिया है क्योंकि हमने जो चावल बॉईल करेंगे उसमें भी हम नमक ऐड करेंगे। साबुत ज़ीरा है 1/2 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च है 1/2 टेबल स्पून, कुटा हुआ और भुना हुआ साबुत धनिया 1/2 टेबल स्पून, ज़ीरा पाउडर यहाँ पर हमने 1/2 टेबल स्पून लिया है। अब सारे मसाले डाल के हम इनको अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको सबको, चिकन को मैंने बहुत अच्छे से यहाँ पे मिक्स कर लिया है। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये देखिए ये आधा गिलास पानी है, ये मैं यहाँ पे ऐड कर दूँगी और मिक्स करेंगे। पानी इसलिए ऐड किया है ताकि हमारा जो चिकन है वो गल जाए, इसलिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करा है। अब अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसको कवर कर देंगे। कवर करके तकरीबन मैं 10 मिनट के लिए दरमियानी आँच पे करूँगी ताकि हमारा चिकन जो है वो गल जाए। जब तक हमारा चिकन गलता है तब तक हम देखें, ये देखिए मैंने एक पतीले में पानी ले लिया है, इसको गर्म करने के लिए रख दिया है। और देखें 2 तेज़पत्ते, ये बादियान के फूल, बड़ी इलायची, दालचीनी, साबुत गर्म मसाला, ये सारा कुछ मैंने यहाँ पर इसके अंदर ऐड कर देंगे हम। नमक यहाँ पे मैंने 1 टेबल स्पून भर के लिया है क्योंकि हमने चिकन में भी नमक ऐड करा था, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा सा यहाँ पे मैं सिरका ऐड करूँगी, वाइट सिरका, उससे हमारे जो चावल हैं वो बहुत ज़्यादा खिले खिले और आपस में जुड़ेंगे नहीं, बिल्कुल खिले खिले बन के रेडी होंगे। अब हम इसमें बॉयल आने देंगे। पानी में यहाँ पर बॉयल आना शुरू हो गया है, तो इस टाइम पे आके ये देखिए ये मेरे पास 1/2 किलो चावल हैं। यहाँ पे मैंने बिरयानी राइस लिए हैं, आपको जो पसंद हो आप वो ले सकते हैं। इसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो दिया था, चावलों को अच्छी तरह से वॉश करके 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। जब भी आप चावल बॉयल करें तो उस बहुत खुले बर्तन में बॉयल किया करें। चावल बॉयल करते टाइम आप, या तो आपके पास लीमू हो तो वो आप 1 लीमू का रस इसमें निचोड़ दें और लीमू भी इसमें डाल दें, या फिर आप सिरका ऐड कर दें। ये एक टिप्स है कि इससे आपके चावल हमेशा बहुत खिले खिले और बहुत ज़बरदस्त बन के कभी भी आपके चावल जुड़ेंगे नहीं। तो चलें इसको बॉयल आने देंगे। चावल यहाँ पर ये देखें बहुत अच्छे से देखें बॉयल हो चुके हैं। आपने 80% इसको बॉयल करना है, थोड़ा सा इसमें कनी रहनी चाहिए। ये देखिए ये इतने बॉयल हो चुके हैं, तकरीबन चावल गल चुका है ये। तो यहाँ पे मैं चावलों को ड्रेन कर लूँगी, चेक करते हैं। अभी यहाँ पे देखें हमारा
गल चुका है और मसाला भी बहुत अच्छे से ये देखें भुन गया है। थोड़ी सी हम इसकी और भुनाई करेंगे। यहाँ पे बिल्कुल हमारा मसाला भुन के रेडी हो चुका है, देखें ऑयल भी ऊपर आ गया है। तो बस हमारा मसाला रेडी है। चावल जो हमने बॉयल करके रखे थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इस तरह से सारे चावल हम इसमें ऐड कर देंगे। सारे चावल इसमें इस तरह से मैंने सारे ऐड कर दिए। अब ये है फूड कलर, जर्दे का रंग है। इसको मैंने ज़रा सा पानी डाल के घोल लिया था। इसको हम इसके ऊपर इस तरह से हल्का हल्का सा पूरे पे इस तरह से डाल देंगे कलर के लिए। और ये मेरे पास है, ये देखिए धनिया है, बारीक कटा हुआ धनिया, ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। हरी मिर्चें हैं, ये भी लंबाई में मैंने काट ली थी, इसको भी इस पे डाल देंगे। लीमू है, लीमू भी हम इस तरह से इसके ऊपर लगा देंगे। ये मेरे पास केवड़ा एसेंस है, मैं यहाँ पे इसके सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप्स ऐड करूँगी। आप अगर ज़्यादा आपको पसंद है तो आप ज़्यादा डाल लें, मैं बस यहाँ से 2 से 3 ड्रॉप्स ऐड करे हैं मैंने। अब हम इसको कवर कर देंगे और 10 से 12 मिनट तक बिल्कुल दम वाली आंच पे हम इसको दम लगाएंगे। तो बिरयानी को दम पे किए हुए तकरीबन 12 से 15 मिनट हो चुके हैं। आइए चेक करते हैं, तो बिरयानी हमारी रेडी हो गई है। ये देखें बड़ी ज़बरदस्त सी, ये देखें बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है। तो अब इसे हम डिश में निकालेंगे। तो ज़बरदस्त सी यहाँ पे देखें बिरयानी हमारी रेडी हो चुकी है, हैदराबादी बिरयानी। ये देखें कितनी ज़बरदस्त और कितनी कलरफुल सी बिरयानी बनके रेडी हुई है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये देखें। तो ज़बरदस्त सी यहाँ पे हमारी हैदराबादी बिरयानी बनके रेडी है। देखें आप कितनी कलरफुल और कितनी ज़बरदस्त बनके ये रेडी हुई है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। वीडियो अगर आज की पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।